रखा मैंने तो मेंशन नहीं करा था गरीबी है ये। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं साइंस का एक और बेहतरीन सा सेशन। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ लिए सेशन को बेहतरीन तरीके से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो तो आज हम करने वाले फिर से एक धमाकेदार शुरुआत और हम करेंगे इसमें फिर से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे एक बार स्टार्टिंग में आते ही सारे के सारे सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज पुलरीन में कार्बन परमाणु होते हैं। इन पुलरीन फिल इन द ब्लैंक देयर आर कार्बन एटम। तो देखो पुलरीन आपका पुलरीन क्या है, कार्बन का एलोट्रोप से जिसको बोलते हैं अपर रूप। कार्बन के तीन अपर रूप है, कार्बन होता है उसके तीन अपर रूप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। फुलरीन के बारे में आपको बताना है कि इसमें कितने कार्बन के परमाणु होते हैं, 4 या 60 में से आपको आंसर देना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फुलरीन बनाया था लैब में एक आर्किटेक्ट थे बकमिनिस्टर, इन्होंने बनाया था, इसीलिए इसको बकी बॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बकी बॉल। और ये फुटबॉल जैसा शेप होता है, इसको कैसा शेप होता है, फुटबॉल जैसा शेप होता है इसका। इसमें टोटल 60 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू द मेनी पॉलीगन्स, लाइक 32 पॉलीगन्स होते हैं इसके अंदर, 20 और 12 में कैटेगराइज किया गया है। 20 पॉलीगन होते हैं जो होते हैं हेक्सागोनल यानी षटकोणीय, और 12 होते हैं इसके अंदर पंचकोणीय यानी पेंटागोनल। ये स्ट्रक्चर होता है इसका, इसका यूज किया जाता है आपका मेडिकल साइंस के अंदर, जैसे कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 60। बिल्कुल, सबको राम राम है, सबको गुड आफ्टरनून है, सबका स्वागत है। चलिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर सारे के सारे बच्चे करेंगे। और 60 बच्चे देख रहे हैं सेशन को, फटाफट से सारे के सारे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आंसर जरूर करेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों के आंसर नहीं आ रहे, फटाफट से आंसर आना शुरू हो जाने चाहिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिससे भौतिक गुण भिन्न भिन्न और रासायनिक गुण समान। तो देखो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम। ये क्या है, सेम है बच्चा। तो इनको क्या कहा जाता है, श्रृंखलन यानी कैटेनेशन, कैटेनेशन श्रृंखलन है। ये क्या होती है कि कार्बन कार्बन आपस में कनेक्ट होकर एक लंबी चेन बनाता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चा कैटेनेशन। तो ये तो आंसर नहीं है क्योंकि इसमें आपकी प्रॉपर्टीज केमिकल फिजिकल बिल्कुल अलग हो जाती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी अलग हो जाता है। अब आपका आता है एल्काइन, एल्काइन और एल्केन होता है, ये अलग अलग कार्बन की चेन होती है ना। एल्काइन आइन लगा हुआ है तो CnH2n-2 इसका फॉर्मूला होता है जो कि प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं है। और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड और ये होता है सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आ जाएगा, अपर रूप इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द राइट आंसर। तो फटाफट से आंसर करते रहिएगा, बिल्कुल सही, हैप्पी शर्मा ने आंसर दिया है सही। तो ये हमारे यहाँ क्लास के कलुआ, मुझे नाम तुम्हारा हो गया है याद, है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे भारी तत्व तो मैं बता देता हूँ, सबसे भारी तत्व कौन सा होता है डेंसिटी के हिसाब से, यानी घनत्व के हिसाब से भी। घनत्व जानते हैं D=mV, यानी मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, है ना। कोई भी तत्व के मॉलिक्यूल कितने पास में है वो उतना ज्यादा भारी हो जाएगा। तो चलो आप दोनों ही बताइएगा, चलो आप हल्का भी बताइएगा और भारी भी बताइएगा, देखते हैं। मैंने कई बार ये बताया है आपको और एप्लीकेशन की क्लास में भी आपको पढ़ाया है, बिल्कुल याद करवाया आपको। तो फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा, कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, वेरी गुड। चलो तो आपका, चलो एलिमिनेट भी कर देता हूं, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है भूपर्पटी पे।
आपका क्रक्स ऑफ मेंटल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है एल्युमिनियम पे, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है अपना आपका एल्युमिनियम, और कोर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है आयरन और निकल, तो आंसर ये नहीं होगा, मैग्नीशियम होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा प्लेटिनियम और लिथियम में से आंसर होने वाला है। तो देखते हैं कि क्या आंसर, बिल्कुल एक बच्चा कैंडी है और उसने आंसर लिखा है कि लिथियम और ऑस्मियम, तो सबसे भारी क्या बताया था बच्चा ऑस्मियम, ऑस्मियम, और सबसे हल्का जो तत्व बताया था वो बताया था लिथियम। आपका इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम है ना, दीज आर सम मेटल विच यू कैन कट थ्रू द नाइफ है ना, एक किससे चाकू से इसको काट सकते हैं, बहुत हल्की मेटल्स होती हैं, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम इससे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है। बिल्कुल भारतीय, गुड आफ्टरनून है बच्चा। चलो तो सेशन को बेहतरीन तरीके से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, डेली की तरह ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज में देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, और आप लोग आंसर करते रहे, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज में देता रहता हूं साथ के साथ में। जल का विशुद्ध रूप क्या है आपको बताना है कि जल का विशुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, आपका आश्वित जल, नल का पानी, भारी जल और वर्षा का जल, ठीक है, प्योर वाटर। तो आपका प्योर वाटर जहां पे आ जाए आप कैसे पहचानेंगे कि सर इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छी बात दो है, पहला इसकी पीएच पता हो तो 7 पीएच होती है, कितनी होती है बच्चा 7 पीएच होती है, और प्योर वाटर का मतलब होता है आसुत जल, क्या होता है आसुत जल, अच्छा ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आप बता रहे थे कि सर इसमें सॉल्ट नहीं होता है, क्या होता है, जैसे पोटेशियम या सोडियम के सॉल्ट क्या होते हैं बच्चा एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, तो चलो नल का पानी और भारी जल तो आंसर नहीं होगा, भारी जल होता है D2O जो कि 1H2 ड्यूटेरियम एक समस्थानिक होता है, ड्यूटेरियम ये किसका हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, तो ड्यूटेरियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो तो ये आपका D2O बन जाता है, क्या बन जाता है भारी जल बन जाता है, जिसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक की फॉर्म में करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा वर्षा का जल होगा, वो जल का सबसे विशुद्ध रूप है, जब तक वो धरती पे नहीं गिरता है उसका पीएच 7 रहता है, और जैसे वो धरती पे गिर जाता है तो धरती में सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं जैसे पोटेशियम सोडियम एक्सेट्रा अलग अलग मैग्नीशियम के सॉल्ट, तो उसकी पीएच बढ़ के 7.4 हो जाती है, जिसको पीने वाला पानी भी बोलते हैं, आंसर आएगा ये, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे आंसर करते रहेंगे, कौन कौन बच्चा आंसर कर रहा है, खुशी है, पूनम है, आरती है, रूपा, ड्रीम गर्ल, ईशा, एट द रेट सिंपल लाइफ, हैप्पी, काजल, गुरमीत, हाँ बिंदु, जो भी है, मोनिका, ठीक है, सारे के सारे बच्चे आंसर करते हैं, सेशन को बेहतरीन तरीके से लाइक शेयर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन एक तत्व से बना हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंट, आपको बताना है कि आंसर क्या आ जाएगा, आपका ओनली एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, डायमंड, सैंड, ग्लास और वाटर, ठीक है। आपका देखो पानी होता है वो H2 और O से बना हुआ होता है, आपका आंसर नहीं आएगा, कांच क्या होता है मिक्स्ड सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, आपका आंसर क्या आ जाएगा बालू और हीरे से आंसर आ जाएगा, फटाफट से आंसर बताइएगा। 101 बच्चे सेशन को देख रहे हैं, कौन कौन बच्चा आंसर कर रहा है, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। इस्माइल है, खुश है, सुदेश है, मोनिका है और है सुधीर है, गौरव, भव्य, सुदेश, ड्रीम गर्ल है ना, एसपी स्टडी, ईशा, भारती, भारती गौर, खुशी, सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं, ठीक है, पहले भी मैंने बताया बिल्कुल सही आंसर किया है सारे के सारे बच्चों ने, और आंसर क्या आ जाएगा बच्चा डायमंड इसका आंसर आ जाएगा। मीनाक्षी बिल्कुल गुड आफ्टरनून है बच्चा, आंसर क्या आ जाएगा डायमंड, और ये क्या है कार्बन का अपर रूप है, किसका कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, सबसे कठोर होता है, क्या होता है सबसे कठोर होता है प्रकृति में है ना, नेचर में क्या होता है सबसे कठोर होता है, और ये एक अधातु होता है, क्या होता है अधातु होता है, ये हीरा चमकता है किसकी वजह से बच्चा, चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ये चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये चमकता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, CaO का इकाई सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO ऑल्सो इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम, क्या बोला जाता है बच्चा क्विक लाइम इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है क्विक लाइम इसको बोला जाता है,
और इसका यूनिट मास फॉर्मूला बताना है तो इसकी ये कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसका डबल होगा एटॉमिक मास। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका डबल होगा एटॉमिक एटॉमिक नंबर ये होता है, एटॉमिक मास ये हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 40 और 16 हो जाएगा 56, तो आंसर क्या आ जाएगा 56 इज द राइट आंसर, 56 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है 56 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, सारे के सारे आंसर करते रहो और सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह जल जो साबुन के साथ रगड़कर शीघ्रता से अधिक झाग देता है, तो साबुन का फॉर्मूला होता है बच्चा RCOOH, है ना, या फिर RCOOK। ये सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं जिनको बोलते हैं साबुन, और साबुन बनाने की प्रक्रिया, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है, सपोनिफिकेशन कहलाती है। और साबुनीकरण जब हमें करना है तो साबुन बनाना है तो सोप दो तरह के होते हैं, एक ऐसे जो कि कठोर जल में आसानी से क्या कर देते हैं झाग देते हैं, एक कठोर जल में आसानी से झाग नहीं देंगे। तो पता करना है कि वह जल, जल के बारे में पता करना है जो साबुन के साथ रगड़ के शीघ्रता से अधिक झाग दे रहा है। इफ एनी सोप इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ लैथर है ना इन अ वॉटर, दैट काइंड ऑफ वॉटर इज नोन एज सॉफ्ट वॉटर, सॉफ्ट वॉटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, गदू जल इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बी सही आंसर आ रहा है बिल्कुल। सारे के सारे बच्चे देख रहे हैं, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। और हाँ, जिन बच्चों की एप्लीकेशन की क्लास है बच्चा, जिन बच्चों की एप्लीकेशन की क्लास है वो एप्लीकेशन पे क्या देख लेना, इवेंट देख लेना कब का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो की समस्या है, इसकी वजह से आपकी क्लास होती है फ्लक्चुएट। तो आप जरूर देख लेना कि आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीधा संचायक बैटरी में किया जाता है, कुल मिला के बैटरी कोई सी सेकेंडरी बैटरी कहलाती है, सेकेंडरी सेल इसको बोलते हैं या बैटरी इसको बोलते हैं, सीधा संचायक सेल, इसका उपयोग H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, क्या कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है H2SO4। इसकी जो पीएच होती है ना बच्चा वो होती है 0.5 होती है ना, बहुत कॉन्सेंट्रेट आपका एसिड होता है तो एसिटिक एसिड नहीं होता, नाइट्रिक एसिड नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट आंसर है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ एसिड, और जब किंग है तो इसकी क्वीन भी होगी और वो है नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसको क्वीन ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, क्वीन ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा, अगर HCl और HNO3, अगर HCl और HNO3 3:1 के अंदर मिक्स किए जाए तो इसको बोलेंगे एक्वा रेजिया, इसको क्या बोलेंगे बच्चा एक्वा रेजिया, या फिर बोलेंगे अम्लराज, क्या बोलेंगे अम्लराज इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है अम्लराज इसको बोला जाता है। ठीक है, तो 100 बच्चे यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं, थोड़ा सा सेशन को लाइक शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में भर के आंसर करेंगे। ठीक है, जलाने पर निम्न में से कौन सी धातु है वो ज्वाला को पीला कर देती है, तो कैसा रंग दिखाना है आपको पीला, तो आपको कौन सा, चलो मैं कैल्शियम और पोटेशियम को हटा देता हूं, एलिमिनेट कर देता हूं, अब 50-50 लगाइएगा, देखते हैं कि कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर लगा पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव येलो कलर टू द फ्लेम ऑन बर्निंग, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं कि फटाफट से आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बिल्कुल मनीषा चौहान लास्ट का आंसर क्वीन ऑफ एसिड भी HNO3 को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो आंसर बिल्कुल सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको अच्छी खासी अब प्रैक्टिस हो गई है, क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं, बेरियम का उपयोग नहीं किया जाता, सोडियम का उपयोग किया जाता है। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि लैंप है, आपका लैंप है, स्ट्रीट लैंप है, और वो लैंप अगर पीला पीला प्रकाश दे रहा है, कौन सा प्रकाश, येलो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसमें सोडियम लैंप है, तो उसमें सोडियम वेपर है, और अगर सफेद प्रकाश प्रोड्यूस कर रहा है तो आपका बच्चा वो पारा भरा हुआ है उसमें, है ना, जो पारे की वेपर है, हाइड्रोजन वेपर है, वो भरी हुई है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज
Na2CO3 with 10 crystalline water, but it is also known as आपका washing soda. Washing soda. क्या बोला जाता है बच्चा? Washing soda के नाम से जाना जाता है. तो देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला है. Na2CO3 कहीं पे दिख रहा है? Na2CO3 ये दिख रहा है. Na2CO3 with 10 crystalline water जरूर होंगे इसके साथ साथ, तब इसका सही 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 आंसर हो पाएगा. तो ये आंसर होगा, है ना. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, है ना. कौन कौन बच्चा आंसर कर रहा है कमेंट बॉक्स में, लगातार आप लोग आंसर करते रहिएगा और सेशन को बेहतरीन तरीके से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करते रहिएगा, ठीक है. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना. कोई भी यूनिट फॉर्मूला होगा, कोई भी यूनिट फॉर्मूला होगा, कोई भी यूनिट फॉर्मूला होगा, उसके साथ साथ वाटर ऐड होगा. इसका मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मूला. आपका बेकिंग सोडा, तो इसका पता है आपको NaHCO3, है ना. NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको और नाम से जाना जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर इसका एक और नाम है बेकिंग सोडा, या इसका एक और नाम है आपका स्वीट सोडा, या फिर इसको खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं. तो देखो कितने सारे नाम है इसी के. और इसका उपयोग बाटी वगैरह बनाते हैं, इडली वगैरह बनाते हैं, उसमें फूड को फल्फी बनाने में यूज किया जाता है, फुलाने में यूज किया जाता है, ठीक है. चपाती में भी कई जगह यूज किया जाता है, तंदूरी चपाती में, ठीक है. तो ये तो आंसर नहीं है आपका. वाटर इसमें ऐड ही नहीं है. जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है बच्चा CH4 आपका 2H2. देखो आगे है ना, यूनिट फॉर्मूला के साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल आगे, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टली वाटर, ठीक है, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आपका वॉशिंग सोडा होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था Na2CO3 और विद आपका 10H2O बताया था, ठीक है. तो इसके साथ भी फॉर्मूला है. कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 और इसके साथ साथ 5H2O लिख देंगे, इसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं. तो तीनों के साथ वाटर एड है. ऐसे अगर पिटकरी आ जाती, एलम आ जाती, तो उसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रेस 24H2O. तो उसमें भी क्या आ जाता बच्चा, उसमें भी आपका क्या आ जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता. तो आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा इज द राइट आंसर. क्या होगा, 122 बच्चे सेशन को देख रहे हैं, सारे के सारे मिलके सेशन को बेहतरीन तरीके से लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज इनग्रेडियंट ऑफ एंटा एसिड. आपका एंटा एसिड की फॉर्म है, तो आपको पता है एंटा मतलब अपोजिट, एसिड का मतलब है कि अम्ल के अपोजिट काम करे, यानी बेस होगा. क्या बताना है आपको, बेस के बारे में बताना है. बेस को आपका एल्कलाइन भी बोलते हैं, एल्कलाइन नेचर का होता है. पीएच इसकी होती है बच्चा आपका 7 से 14 के बीच में होता है. आपका टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में होता है बिटर होता है. कैसा होता है आपका, बिटर इन टेस्ट होता है. ये सारी चीजें बता दी. वाटर के अंदर OH- आयन देगा. तो ये सारा चीज है बेस के बारे में था. आपका रेड लिटमस पेपर करते हैं तो उसको लिटमस टेस्ट पे ब्लू कलर दे देता है. तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी बेस के बारे में. तो चलो, तो साधारण नमक होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, NaCl होता है, पीएच होती है बच्चा 7. तो ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि 7 से 14 के बीच में पीएच होगी. आपका सोडियम कार्बोनेट, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों क्या है आपके, बेस है. और इसमें से भी एंटा एसिड की फॉर्म में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है, NaHCO3 का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर धाव आपका बेकिंग सोडा, या फिर स्वीट सोडा, खाने का सोडा, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है. तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, यही आंसर आ जाएगा. चलिएगा, तो आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेवर फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट इन अ नेचर. तो व्हाट डज इट मीन ऑफ फ्री स्टेट. फ्री स्टेट का मतलब है कि नॉन रिएक्टिव होते हैं. ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं. नॉन रिएक्टिव का मतलब है कि ये क्या बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, करते हैं ना के बराबर, है ना. ऐसे तत्वों में आते हैं जिनमें रिएक्शन बहुत ना के बराबर होती है. मैं जैसे एग्जांपल बताता हूं, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन पर, है ना. आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है, फिर आपका लास्ट में AuPT भी आता था, है ना, Ag भी आता था. तो ये सारे जो लास्ट में आने वाले एलिमेंट है, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. तो आंसर क्या आ जाएगा,
प्रकृति में तत्वों में कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता, तो नहीं वाला ढूंढना है। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो नहीं वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है, नॉट वर्ड पे। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में हम इसको स्किप कर देते हैं और आंसर गलत लगा देते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? चांदी, प्लेटिनियम और सोना, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। वैसे आपको सिल्वर है, मैं बता दूं, अर्जेंटियम इसको बोलते हैं, लैटिन नेम है अर्जेंटियम। H2S गैस से रिएक्शन करके Ag2S बना देता है जो कि पड़ जाती है काली, है ना। तो जब भी आप लोगों की अब सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो शादी होगी, बीवी की जो पाजे काली पड़ जाएगी, उसको साफ कटवाने जाओगे ना, तो उसके उसको किस में मत डलवा देना, HNO3 और HCl के एक सॉल्यूशन में मत डाल देना, क्योंकि इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। और इससे उसका वजन साफ तो हो जाएगी वो, पर इससे वो उसका वजन हो जाएगा कम, ठीक है। चलो तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? आता सोडियम आंसर आ जाएगा, क्योंकि सोडियम देखो कैटरीना ने कार मांगी, तो ये शुरू की जो तीन चार मेटल्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। इसका मतलब है इवन इनको किस में रखा जाए, पानी में रख दो या फिर इनको हवा में छोड़ दो, तो भी ये इजीली आग पकड़ लेती है। दीज मेटल कैचेस फायर इजीली, ठीक है, तो आपको आसानी से आग पकड़ लेती है, इसीलिए इनको किस में रखा जाता है, दे आर कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है। चलो बिल्कुल गुड आफ्टरनून है बच्चा। चलो सेशन को बेहतरीन तरीके से लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन क्या है, माइका क्या है, किसके बारे में बताना है? माइका, माइका को बोलते हैं बच्चे हिंदी में अभ्रक। क्या बोलते हैं? अभ्रक। अभ्रक क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? आपका जो माइका है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होगा नॉन कंडक्टर? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। तो चलो ऑप्शंस में देखते हैं कि माइका क्या है। दोनों का कुचालक, विद्युत ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऐसा भी नहीं है। ये क्या होता है, ऊष्मा का तो चालक होता है पर विद्युत का क्या हो जाता है, कुचालक हो जाता है। तो आंसर क्या होगा भाई? ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ए मस्ट बी राइट आंसर। सारे के सारे बच्चे आंसर कर, क्या कर रहे हैं? बी आंसर कर रहे हैं। हाँ चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अभ्रक का कहां पे उपयोग किया जाएगा? जहां पे हमें इंसुलेटर की जरूरत होगी, जहां पे ऐसी चीजों की जरूरत होगी जहां पे करंट फ्लो ना हो जाए, गलती से हमें इलेक्ट्रिकल जो शॉक है वो ना लगे, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो लोहा और इस्पात में, खिलौने बनाने में, ग्लास और गुलारी बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, क्या बनाने हैं? विद्युत उपकरण बनाने में हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं जो कि क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, यहाँ पे सही से प्रिंट नहीं है तो ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको बताना है कि, चलो मैं आपको हिंट भी दे देता हूं कि वो मेटल है और रूम टेम्परेचर पे किस में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चा? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसका लैटिन नेम है हाइड्रेजियम। क्या है? हाइड्रेजियम। तो अब तो सारे बच्चों को पता चल गया होगा आंसर क्या आएगा। हाइड्रेजियम आएगा, पारा इसका आंसर आ जाएगा। पारा होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में पाए जाने की वजह से जल्दी से हीट को कैच कर लेता है। हीट को कैच करने की वजह से इसका यूज कहां पे किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आप हार्ट बीट मेजर करते हैं या फिर आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में काम आता है, जिसको आप थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? आंसर आ जाएगा आपका हाइड्रेजियम, पारा। चलो नेक्स्ट। कीट भक्षी पौधे जिसका जिस मृदा में उगते हैं उसे उसमें किसकी कमी रहती है? तो द सॉइल इन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो लैक्स। तो लैक ऑफ, आपको यह बताना है कि हमें अगर हमें ऐसे प्लांट की बात की जाए जो कीट भक्षी पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? कीट भक्षी पौधे इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी इंसेक्ट को खा जाते हैं। आपको पता है पहले सुना है इंसेक्टिवोरस के बारे में? तो इंसेक्टिवोरस ऐसे जैसे वीनस ट्रैप बोल सकते हैं, ट्रैप फ्लाई, है ना। तो ऐसे पादप जो कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको पकड़ लेते हैं,
अच्छा ये क्या करते हैं पकड़ के, एक्चुअली जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो अबंडेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन। तो जब ये ऐसे जो कीट भक्षी पादप है वो ऐसी सॉइल में उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इनको नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन जाने के लिए इनको क्या चाहिए? ऐसे चीज चाहिए जिससे ये नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके। तो वीनस जो प्लाय है ना, ये क्या कर सकते हैं? ये इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और उनकी नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? ये आंसर आ जाएगा, नाइट्रोजन। किसकी कमी होती है उस सॉइल में? नाइट्रोजन की कमी होती है। वेल्डिंग के लिए एथेन का उपयोग किया जाता है। एथेन का फॉर्मूला ट्रिपल बॉन्ड है, आपको पता है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। क्या होती है? 4। आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 1, 2, 3 और एक वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और एक 3 वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो गए और एक वैलेंसी यहाँ पे। तो फॉर्मूला बन गया बच्चा, फॉर्मूला हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं एथाइन। एथाइन के साथ साथ आप वेल्डिंग करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। तो एथाइन के साथ साथ आप अगर ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे तो आपका वेल्डिंग के लिए एक क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन की जरूरत और होगी एथाइन के साथ साथ, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वेल्ड कर सकें। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका आंसर आ जाएगा। 137 बच्चे सेशन को देख रहे हैं, सारे के सारे मिलकर सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, और कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, सबसे सरल अल्कोहल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल। तो अल्कोहल अब आपको मैं बताऊंगा, C2H5OH है ना, C2H5OH ये होती है पीने वाली शराब, है ना, पीने वाली शराब। आधे लोग तो झूम रहे होंगे इसकी, ये सुनते ही है ना, और गाना भी गा रहे होंगे कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, है ना। तो आपको मैंने बिल्कुल फॉर्मूला बता दिया है कि आपका इथाइल एल्कोहल होता है उसको पीने वाली शराब बोलते हैं। तो घर में फॉर्मूला ट्राई ना कर, है कि नहीं, पता चलेगा जो मम्मी आएंगी चप्पलों से तुम्हारी कुटाई कर दे, है ना। तो C2H5OH ये होता है पीने वाली शराब। अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे सरल एल्कोहल है। सरल का मतलब है कि जब कार्बन की जो चेन बनेगी, कार्बन की चेन में कम से कम कार्बन यूज हो। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में से, मैथेनॉल में बस CH4 होता है, आपका CH3OH होता है, आपका इथाइल एल्कोहल की बात करूंगा तो कार्बन हो जाएंगे 2, तो C2H5OH आ जाएगा। एथिल एल्कोहल और एथेनॉल तो एक ही बात हो गई, ठीक है। और आंसर ब्यूटेनॉल है, तो आपका क्या आ जाएगा? 4 कार्बन आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 4 कार्बन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? ये 1, 2, 3, 4 कार्बन होंगे, तो आपका ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो सबसे कम कार्बन किसमें है? CH3OH, जिसको बोलते हैं मैथेनॉल, जिसको बोलते हैं जहरीली शराब। आपने कई बार पढ़ा होगा कि कच्ची दारू पीने से या जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, तो वो यही है, जहरीली शराब। तो समझ रहे हो, घर पे यही एक्सपेरिमेंट करना है, वो पड़ोसी को पिला देना है जो तुमसे पूछता है तुम्हारा एग्जाम निकला कि नहीं निकला। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड। आपको बताना है सिट्रिक एसिड होता है, एसिड के बारे में पूछा गया, तो स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। उसके अलावा जो आपका जो एच प्लस आयन देते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसके अलावा आपकी पीएच होती है 0 से 7। जैसे ही 7 से 0 की तरफ आते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी एसिड के बारे में। ऑप्शन आर आपका बनाना है, यानी केला में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, नहीं, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टे फल में क्या होगी? नींबू और अंगूर, और रसदार फलों में पाया जाता है, तो अंगूर में तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है बच्चा। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नींबू है, संतरा है, इनमें भर भर के क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी, क्यों लगा रहे हैं सारे, है ना, डी। देखो, अंगूर है और आम है, इसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये तो आंसर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? सी इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? सी इसका बेहतरीन तरीके से आंसर आएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज देयर इन द स्टिंग ऑफ एन एंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। तो चलो, ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सिट्रिक एसिड पूछा गया है, तो नींबू या संतरा में पाया जाता है, आपका ऑरेंज या लेमन में पाया जाएगा, नींबू या संतरा के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड है जो कि पालक या टमाटर में पाया जाएगा। टमाटर तो आपकी और मेरी
औकात से बाहर जा रहे हैं आजकल, तो आप खरीद भी मतलब सोच भी मत लेना इतने महंगे सपने, है ना। नेक्स्ट लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध और दही में पाया जाता है, है ना, दूध और दही में। अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, दूध दही के नाम से कई बार आप मक्खन में भी सेम आंसर लगा देते हैं। जो बटर होता है उसमें बच्चा ये पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। तो ये गलती ना करें, इसको जरूर याद रखें। और चींटी होती है, एक्चुअली में चींटी ये एसिड चींटियों से ही बनाया गया, तो चींटियों को लैटिन में बोलते हैं फॉर्मिका। क्या बोलते हैं? फॉर्मिका, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट अजीब और गरीब होते हैं, इन्होंने क्या किया, लाल चींटियों को पकड़ा, सबको एक डब्बे में बंट दिया, कंटेनर में, और उबाल दिया, और उबालने के बाद जो रस निकला, है ना, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या नाम दिया गया? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या है? मैथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। अगर इसकी जगह पर फॉर्मिक एसिड भी लिखा था तो भी सही 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 आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? एसिड रेन इज मेनली ड्यू टू विच गैस? तो जो एसिड रेन की बात करूं मैं, तो कुछ फैक्ट्स हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो पीएच होती है वो बच्चा होती है 5.5, 5.6। आपकी जो एसिड रेन होती है वो दो एसिड की वजह से होती है, H2SO4 और HNO3। और देखो दोनों एसिड ही क्यों हुई, क्योंकि इसको तो बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, है ना। और जब किंग होगा तो फिर किंग गाना भी तो गाएगा कि बन जा तू मेरी रानी, है ना। तो साथ में रानी को लेके चलता है HNO3, जिसको बोलते हैं क्वीन ऑफ एसिड, क्वीन ऑफ एसिड। तो किंग और क्वीन दोनों एक साथ बारिश में बरसते हैं, तभी तो गाना बजता है टिप टिप बरसा पानी, है ना। चलो तो आंसर होगा क्या, ये दोनों एसिड बने कैसे? SO2 की वजह से, NO2 की वजह से, इन दोनों की वजह से। क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे वो आपका ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HNO3 बना देंगे, और सल्फर के जो ऑक्साइड होंगे वो बना देंगे H2SO4। अच्छा ये दोनों ऑक्साइड बने कैसे? फ्यूल से। कौन से फ्यूल से? फॉसिल फ्यूल से। किससे? फॉसिल फ्यूल से बने। तो आपका कौन सा ऑक्साइड होगा बच्चा? SO2 यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, तो SO2 मस्ट बी राइट आंसर, ठीक है। 154 बच्चे देख रहे हैं सेशन को, सारे के सारे बच्चे लाइक और शेयर फटाफट फटाफट से कर दीजिएगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में सब बच्चों के आने चाहिए, है ना, सारे के सारे बच्चों को कमेंट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने काफी ताबड़तोड़ तैयारी की है, बैक टू बैक प्रैक्टिस सेशन करने हैं, तो अब तो दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाने चाहिए क्वेश्चन। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो आपको बताना है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज टेम्परेचर डज नॉट हैव द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में बताना है, ये चारों टेम्परेचर मेजर के करने के काम आते हैं। किसको? टेम्परेचर मेजर करने के काम आते हैं, जिसमें से आपका जो केल्विन होता है वो ऐसा यूनिट माना जाता है, ठीक है, ऐसा यूनिट माना जाता है टेम्परेचर की। और आपका बॉडी का टेम्परेचर कई बार पूछ लिया जाता है, तो 98.6 फॉरेनहाइट या 310 केल्विन या फिर आपका 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि किसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है? -273 केल्विन। इसमें 0 से नीचे वैल्यू नहीं जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल्सियस जो पैमाना है उसमें कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुमेलित कीजिए। आपको फिजिक्स आ गई है और फिजिक्स में मैच करना है, प्लीज मैच दी। ऑप्शंस में है आपके भूकंप, ऊंचाई, विद्युत धारा और प्रतिरोध, यानी इसको मैच करना है। भूकंप का मतलब है अर्थक्विक आता है, तो अर्थक्विक को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है? तो अर्थक्विक को देखो, अर्थक्विक के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, तब तक आप लोग आंसर बताइएगा। तो भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ, क्योंकि धरती के अंदर जो वेव्स आती है उसको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। ये इसमें एक स्केल होती है जिसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, रिएक्टर मत लिख देना, रिक्टर स्केल होती है, और ये बनाई थी चार्ल्स रिक्टर एवं गुटेनबर्ग, एवं गुटेनबर्ग, ये दो साइंटिस्ट थे। गुटेनबर्ग वही साइंटिस्ट हैं जिसकी वजह से आप लिख पढ़ पा रहे हैं, यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इन्होंने ही किया था। गुटेनबर्ग डिस्कवर्ड द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो इन्होंने एक लॉग स्केल पे आधारित एक मशीन बनाई, है ना, लॉग स्केल पे, जिसपे 0 से 12 तक की स्केल होती थी, और जो स्केल बताती थी कि 7 से ज्यादा अगर अर्थक्विक आ जाए, 7 से ज्यादा रिक्टर स्केल आ जाए, तो आपकी समुद्र में तो आ जाएंगी सुनामी, और आपकी धरती पे आ जाएगी तबाही, है ना, भूकंप से। तो चलो
आपका सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन अगर एलिमिनेट करने जाएंगे तो आपका एक ऑप्शन ही एलिमिनेट हुआ है। चलो दूसरा ऑप्शन तो देखो ही मत, क्योंकि दूसरे में सब में 3 दे रखा है। चौथे ऑप्शन में आपका एक ही एलिमिनेट होगा, तो पांचवा ऑप्शन देख के सारे अलग अलग दिखते हैं। तो आपका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है, ओम होता है, तो इसका आ जाएगा 4। तो देखो 4 कौन कौन से ऑप्शन में, आपका इन तीन ऑप्शन में 4 है आपका ओनली इस ऑप्शन में, तो आपका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे सबको देखोगे तो इट विल टेक फ्यू सेकंड, है ना मोर। तो आपको क्या करना है कि ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन को करना है। तो ऊंचाई से आपका अल्टीमीटर एल्टीट्यूड मेजर किया जाता है, जब आप प्लेन में बैठे हुए होते हैं तो एल्टीट्यूड आपकी हाइट बढ़ती जाती है, एल्टीट्यूड मेजर किया जाता है अल्टीमीटर से। विद्युत धारा यानी करंट की वैल्यू मेजर की जाती है एमीटर से, और आपका प्रतिरोध मापा जाता है ओम से, है ना, ओम मीटर में, या ओम इसका ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2314 मस्ट बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन मैंने भी 2-3 दिन पहले आपको कराया था। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे इसका आंसर जरूर 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 करेंगे। चलो, तो आपकी प्रकाश की तीव्रता, इसका मतलब यह है कि कोई भी जो प्रकाश है ना, कोई भी लाइट का फॉर्म है, जैसे आपके कैंडल है या फिर आपकी एलईडी है या फिर आपकी बल्ब है, तो ये कितनी तेजी से कितनी दूरी तक आपका प्रकाश दिखाते हैं वो होती है आपकी प्रकाश की तीव्रता। तो आपका किससे मापा जाता है, एनीमोमीटर से नहीं मापा जाता है, पोलोरोमीटर से नहीं मापा जाता। चलो, तो 2 ऑप्शन मैंने आपके लिए छोड़ दिए, लक्स मीटर और अल्टीमीटर, है ना। कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो मेरे जिगर के टुकड़ों सारे के सारे सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो फटाफट से नई कहानी बनाएंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, आंसर दे रहे हैं बी, है ना। यहीं से ऑनलाइन जो मुक्का मारूंगा ना तुम लोगों को, बी तो मैंने एलिमिनेट कर दिया है ना, तो एनीमोमीटर और कोलोरोमीटर तो गलत आंसर है, मैंने एलिमिनेट कर दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लक्स मीटर और अल्टीमीटर इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, लक्स मीटर इज द आंसर, है ना। हाँ, लक्स मीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है, देखो ऑडोमीटर, ऑडोमीटर तो ऑडोमीटर, ऑडोमीटर क्या मापने के काम आता है, कि ऑडोमीटर जो आपकी जो गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चल रही है, तो इसके बारे में दूरी को मापने के बारे में बताता है, तो यानी पहला तो आंसर सही है। आपका नेक्स्ट है ऑडियोमीटर, अब उसके बाद में आता है एमीटर। तो एमीटर और ऑडोमीटर किसके काम आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के काम आता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में ऑडियोमीटर आपका ध्वनि तीव्रता का मापन की युक्ति है, ये भी ठीक है। आपका एमीटर, एमीटर किसको मापता है बच्चा, आपकी करंट को मापता है, किसको मापता है, करंट को मापता है, यानी यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में विद्युत शक्ति का मात्रक है, P=W/T, ये फॉर्मूला होता है, और इसका वॉट, इसकी क्या होती है, पावर को वॉट में मेजर किया जाता है, तो पावर इज मेजर्ड इन द वॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, डी इसका सही 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 आंसर हो जाएगा, मतलब यही गलत था, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको फटाफट से आंसर बताना है, और मैं बता रहा हूं कि आधे से यानी 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही करेंगे, आई एम डैम श्योर कि यू गोना टिक द रॉन्ग आंसर। चलो फिर भी मैं एलिमिनेट कर देता हूं, त्वरण एक सदिश राशि है और संवेग एक सदिश राशि, आपको आंसर करना है बल और विद्युत धारा, यानी आपका इलेक्ट्रिक करंट और फोर्स में से आपको आंसर लगाना है। तो सबके बारे में मैं बता देता हूँ, P=mv, इसको बोलते हैं मोमेंटम, और यहाँ पे वेलोसिटी आ जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका आपके साथ साथ परिमाण है, और परिमाण के साथ साथ आपकी क्या है बच्चा, दिशा है, है ना, दिशा और परिमाण दोनों है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा सदिश। त्वरण आपका A=dv/dt होता है, चेंज इन वेलोसिटी d/dt से मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपका फोर्स F=ma, है ना, ये एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको न्यूटन में मापा जाता है बच्चा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी विद्युत धारा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो गलत आंसर बता रहे हो, क्योंकि आपने कई बार ये सर्किट में ना ऐसे बताया है,
कि कभी करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे जाती है, तो इसकी तो डायरेक्शन है, फिर आपने ऐसा क्यों आंसर लगाया? बच्चा एक्चुअली में क्या होती है कि कुछ लॉज होते हैं, एलजेब्रिक लॉज होते हैं, उसके हिसाब से भी वेक्टर क्वांटिटी डिसाइड की जाती है, तो वो इन लॉज एलेक्सिटी उन लॉज को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना है इट इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? आपका फ्रीक्वेंसी सबसे पहले रेडियो वेव्स के बारे में समझिए। रेडियो जो तरंगे हैं, रेडियो वेव्स हैं, जो सबसे पहले इनका प्रयोग किया था हर्ट्ज ने, हेनरी हर्ट्ज, तो इन्हीं के नाम पे इनकी क्या रखा गया, इनकी यूनिट बना दी गई। एसआई यूनिट को एच जेड से मापा जाता है, जिसका मतलब होता है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज में मापी जाती है आपकी आवृत्ति। आवृत्ति को आपका नीटा से शो किया जाता है, आपका वी इक्वल्स टू एल लैम्ब्डा बाय नीटा लैम्ब्डा भी आपका फॉर्मूला होता है, याद रखना है। वी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी ये प्रकाश का वेग है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। प्रकाश का वेग कितना होता है वैक्यूम के अंदर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना है। आपका यही क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्ब्डा क्या है, आपका वेवलेंथ है, जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेवलेंथ। चलिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपकी ध्वनि तरंगे हो तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगों की जो आपकी जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी जो स्पीड है वो कितनी होती है? 333 आ जाएगा, कई जगह 332 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। ये इसकी स्पीड होती है किसमें? आपकी एयर, ठीक है। आपका वॉट होता है पावर का, फैराड होता है आपका आपका किसका, कैपेसिटी का, और न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? पारसेक इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पारसेक इज द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो पारसेक है उससे छोटी यूनिट होती है 3.26 पारसेक, 3.26 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होती है, 1 पारसेक होती है। और ये 1 पारसेक का मतलब समझ रहे हैं, लाइट 3.26 लाइट ईयर का मतलब क्या है कि एक साल के अंदर, है ना, विद इन अ ईयर हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम। तो एक साल के अंदर आपका लाइट ने अंतरिक्ष के अंदर कितनी दूरी तय कर ली है, उसको लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.26 लाइट ईयर इक्वल टू 1 पारसेक होता है, ये दूरी का मात्रक है। बच्चा आंसर क्या आ जाएगा, समय, ऊर्जा, लंबाई और द्रव्यमान, ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे समय को उड़ा के दूरी लिख लेना, ठीक है, डिस्टेंस की ही आपका क्या है, आपका डिस्टेंस का मात्रक है, आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिबल की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस? तो आपका स्ट्रेस क्या होता है, वही एफ अपॉन ए, क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। एफ क्या होता है, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, है ना। तो कितना एरिया, मतलब कोई स्प्रिंग है तो आपने कितना एरिया को उसको प्रेस किया है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस हो जाएगा। तो क्या होता है, एफ अपॉन ए, एफ होता है बल, ए होता है क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल ही क्या होगा, स्ट्रेस होगा आपका। ये न्यूटन में मापा जाता है, ये मीटर स्क्वायर में, इसको क्या बोलते हैं, आपका पास्कल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, पास्कल इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पास्कल किसका यूनिट भी है, आपका प्रेशर का, तो स्ट्रेस इज वन काइंड ऑफ प्रेशर, राइट। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भौतिकी में चतुर्थ आयाम, तो आपने पढ़ा होगा कि ये सर आपका टू डायमेंशन पढ़ा है आपने, ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी पढ़ी होगी, तो ये एक्स एक्सिस है एक्स डैश, ये वाई है वाई डैश, ये आपस में जो एक्सिस होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, ये सारी कहानी पढ़ी होगी। तो आपने एक्स और वाई एक्सिस पढ़ा होगा, एक जेड एक्सिस भी पढ़ा होगा इधर, जो परपेंडिकुलर होता है बोर्ड से बाहर की तरफ निकला होगा, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं फिलहाल, जेड एक्सिस, ये तीन ही एक्सिस पढ़े होंगे। बट एक फोर्थ एक्सिस यानी फोर्थ डायमेंशन के बारे में भी बताया, और वो किसने बताया था, नील्स बोर ने नहीं बताया था, गैलीलियो ने भी नहीं बताया था, आपके न्यूटन ने भी नहीं बताया था, आइंस्टाइन ने बोला था। और आइंस्टाइन ने बताया कि जिस दिन हम टाइम लूप की डिस्कवरी कर लेंगे फोर्थ डायमेंशन की, उस दिन हम टाइम मशीन बना लेंगे। तो अभी फोर्थ डायमेंशन भी होता है जिसके बारे में अभी डिस्कवरी चल रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
भौतिकी में जो चतुर्थ आयाम होता है, फोर्थ डायमेंशन होता है, उसके बारे में आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप में से जितने भी बच्चे हैं फोर्थ डायमेंशन खोजिए और आपके बचपन में जाइए, और जिन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है वहां पर पढ़ाई करके आइएगा। आप बोलोगे सर बचपन में जाएंगे तो मस्ती करके आएंगे, पढ़ाई थोड़ी करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रडार का आविष्कारक कौन है? तो आपका है RADAR, रडार। इसकी फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलो मैं भी बता देता हूँ रडार की फुल फॉर्म में। पहले ये बताइए इसका यूज क्या है। अगर आपके एयर स्पेस है कोई, उसमें कोई भी प्लेन उड़ रहा है, तो उसके बारे में पता करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो रेडियो वेव्स ये छोड़ती है और उनके रिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका जो हवाई क्षेत्र में उसकी स्पीड कितनी है, उसका एरिया कितना है, कितनी दूरी पे वो हमसे है। चलो, तो रेडियो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग किसकी फुल फॉर्म है? आपका रेडार की फुल फॉर्म है। सबसे पहले किसने बनाया था? रॉबर्ट वॉटसन ने इसको बनाया था। किसने? वॉटसन ने इसको बनाया था। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? ये आंसर आ जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया? तो आपको बताना है। चलो, तो चलो दो ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया है, प्रोफेसर सतीश धवन और होमी जे भाभा। तो आपको बताना है कि कौन से इनमें से साइंटिस्ट थे जिनको क्या बोला जाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक साइंस बोला जाता है। तो फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो आप फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने परमाणु ऊर्जा पे काम किया, एटॉमिक एनर्जी पे काम किया, और इन्होंने कुछ रिएक्टर बनाए। क्या बनाए? रिएक्टर बनाए, और रिएक्टर से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इन रिएक्टर का नाम भी पूछ लिया जाता है, इनका नाम है साइरस, जर्लिना एंड अप्सर। ये स्टार्टिंग के क्या थे? न्यूक्लियर रिएक्टर थे। अभी तो बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया के पास, पर स्टार्टिंग के जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की देखरेख में बनाए गए, वो तीन ये रिएक्टर थे, आपका अप्सरा, जर्लिना और साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धूप के चश्मों की पावर कितनी होती है? द पावर ऑफ सनग्लासेस इज, तो पावर बताना है। तो पी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f होता है पावर। यहाँ पे आपकी लेंस शक्ति है, ये यानी पावर ऑफ लेंस है, लेंस शक्ति है, और ये क्या है आपकी बच्चे? फोकस दूरी है, यानी फोकस डिस्टेंस है, फोकस दूरी है। जो आपका पावर होती है, देखो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि पावर होती है बच्चा, पावर होती है वो होती है जीरो। कितनी होती है पावर? अब क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि P इक्वल टू 1/f होता है, तो आप f की वैल्यू बता दीजिएगा कि अगर धूप के चश्मे हो उनकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो 1/p हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट। तो यानी धूप के चश्मों की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप घूम जाएगा आपका भेजा, है ना। तो आपको इस तरह से याद रखना है, क्या होगा? पावर तो होती है जीरो डायोप्टर, और अगर फोकस डिस्टेंस पूछी जाए तो वो होती है इनफाइनाइट। कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। 170 बच्चे सेशन को देख रहे हैं, फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, और आंसर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए निम्न में से काम में लेते हैं? आपको दाढ़ी बनानी है तो उसके लिए किस मिरर का यूज करेंगे? आपको शेव करने के लिए तो प्लेन मिरर का तो यूज करते नहीं, वो तो आपकी शक्ल देखने के लिए आप यूज करते हैं। और प्लेन मिरर में आप अगर देख रहे हैं, तो आप अगर 6 मीटर लंबे हैं तो पूरी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो 3 मीटर आपका लंबा क्या चाहिए? आपको प्लेन मिरर चाहिए, तभी आप अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं अपने आप को। उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, आप कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शेविंग मिरर के फॉर्म में आप अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, सोलर भट्टी में आप अवतल दर्पण का यूज करेंगे, गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर आप इसी का अवतल दर्पण का यूज करेंगे, यानी कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्बर्ट साबिन को फिल इन द ब्लैंक विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो दो साइंटिस्ट हुए, एक हुए अल्बर्ट साबिन और एक हुए आपका जोनस सॉल्व। ठीक है, तो जो साबिन थे बच्चा, इन्होंने बनाया था पोलियो का टीका, पोलियो वैक्सीन बनाया, पोलियो वैक्सीन।
और जो जॉनस ई सॉल्व थे इन्होंने बनाया था ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, जो आप पीते हैं दो बूंद जिंदगी की, ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, और ओरल पोलियो ड्रॉप जो है वो इन्होंने बताया था, किसने, अल्बर्ट साबिन ने बनाया पोलियो वैक्सीन और जॉनस ई सॉल्व ने बनाया था ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो का टीका है ना। पोलियो क्या करता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम से अटैक कर देता है अगर पोलियो हो जाता है, और आपके पर्टिकुलर ऑर्गन को खराब कर देता है, उसके बाद आपकी डेथ नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी रिकवर जरूर कर लेगी, बट उस अंग में क्षतिग्रस्त हो जाता है और आप ठीक से चल नहीं पाते हैं, वो हाथ हाथ या पैर या बॉडी का पर्टिकुलर ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है। तो इसका आंसर अब तो आप आसानी से कर देंगे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ही इज ऑल्सो नोन एज द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो प्रिस्टले नहीं था आपका, मेंडेलीफ नहीं था, है ना। आपका आंसर क्या होगा, जॉनस ई सॉल्व ने तो क्या बनाया था, अभी मैंने बताया था, ई सॉल्व ने तो बनाया था आपका ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन बनाया था, तो ये आंसर नहीं है। तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक क्या आंसर हो जाएगा, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक ठीक आंसर बताया। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की और इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में खोज की, लिविंग सेल की खोज का श्रेय किसको जाता है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक को जाता है। चलिएगा, प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, फटाफट फटाफट से लास्ट के 10 मिनट में फटाफट से आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स को आंसर से भर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारा कंटेंट पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे से आता है। तो प्लाज्मा झिल्ली आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों ही आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित जंतुओं में से रुमिनेंट जंतुओं का समुच्चय क्या है, चूज द सेट ऑफ रुमिनेंट एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग एनिमल। तो रुमिनेंट कौन से होते हैं एनिमल, जो कि अपना भोजन को एक बार निगल लेते हैं, दे इजीली कैन एंगल्फ द फूड और उसके बाद में फूड को वापस लाके और चबाते हैं, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, एटसेट्रा। तो आपके ये एनिमल कौन से होंगे जो कि आपके क्या होंगे, जो आपके शाकाहारी जानवर होंगे, क्या होंगे, शाकाहारी जानवर होंगे, जो कि बिल्कुल मांस नहीं खाएंगे। तो ऐसे जानवरों को ढूंढना है आपको। तो चलो आपका ऑप्शन है बिल्ली, भैंस और हिरन, नहीं भैंस गाय कुत्ता, नहीं गाय हिरन कुत्ता, नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बफेलो काउ एंड डियर। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आपका हो जाएगा बफेलो काउ एंड डियर, ए मस्ट बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं में ए और बी एंटीजन है, आरबीसी में आपका एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, तो आपका सीरम में कौन सा एंटीबॉडी, इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी। तो देखो दोनों ए और बी एंटीबॉडीज है, अगर एक भी एंटीबॉडी हो गई, ए हो गई या बी हो गई, तो ए से बी, ए से रिएक्शन कर जाएगी, बी से रिएक्शन कर जाएगी, इसीलिए दोनों एंटीबॉडी क्या रहेंगी, एब्सेंट होंगी, एबसेंट होंगी, क्या एंटीबॉडीज, क्या होंगी, एंटीबॉडीज एबसेंट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और इस तरह का ब्लड को बोलते हैं ए बी ब्लड का टाइप, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं बच्चा, यूनिवर्सल डोनर के नाम से इसको जाना जाता है ना, सर्वग्राही, सबसे ब्लड दे सकता है, किसी को ब्लड दे नहीं सकता ए बी के अलावा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलेगा आपको थ्रोम्बोसाइट से, किससे मिलेगा, थ्रोम्बोसाइट से मिलेगा, किससे मिलेगा बच्चा, थ्रोम्बोसाइट से। और थ्रोम्बोसाइट क्या होता है बच्चा, आपका आपका होता है प्लेटलेट्स, क्या होता है, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स होता है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्लेटलेट्स आंसर आ जाएगा। ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट, और ये लिम्फोसाइट आपका कहां से मिलता है, आपका स्प्लीन से बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, हाँ खुश है, देसी है, मिसेस मनीषा है, तिलक, रितिका, कुश, डिम्पी, काजल, चंदन, सुधीर, रूपा, जाट, मनीषा, सूर्या, हैप्पी, रेनू, ज्योति, कुंडू, देशी, कोमल, ज्योति, सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और आंसर कमेंट बॉक्स में सारे के सारे करते रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रक्त का गवाह घटक जो संपूर्ण वाहिकाओं में इसके लिए थक्का बनाने को रोकता है, आपका क्या ना हो जाए कि शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियां हैं उनके लिए क्या नहीं बने, क्लॉट ना बने। तो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, हेपेरिन। देखो थ्रोम्बिन क्या बनाती है, ब्लड क्लॉटिंग करती है, ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है,
है ना, और हिपेरिन एंटी कॉगुलेंट, एंटी क्लॉटिंग बोल दीजिए, है ना, एंटी क्लॉटिंग बोल दीजिए, एंटी क्लॉटिंग है, ये क्लॉट नहीं होने देता है शरीर के अंदर। रक्त क्यों नहीं जमता? हिपेरिन की वजह से नहीं जमता है। किसकी वजह से? हिपेरिन की वजह से नहीं जमता है। चलिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो आपके पास क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो फटाफट फटाफट से आंसर करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको क्या बोला जाता है? वाहिनीहीन, इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि हुई, आपकी पीयूष ग्रंथि के अलावा थायराइड हुई आपकी, और आपकी एड्रिनल ग्लैंड हुई, एटसेट्रा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के अग्नाशय का एक भाग है, अग्नाशय यानी पैनक्रियास किसका एक भाग है? तो अग्नाशय से क्या निकलता है? शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, क्या है? मिक्स ग्लैंड के अंदर आती है बच्चा। और मिक्स ग्लैंड आपका क्या काम करता है? एंजाइम ही छोड़ता है हॉर्मोन, और एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकेगोन है, ये तो हॉर्मोन है, और आपका ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, आपका लाइपेज है, ये क्या करते हैं? पाचन के काम आते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? पाचन तंत्र का हिस्सा है, है ना, किसका हिस्सा है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। चलिएगा, आपका नेक्स्ट है यकृत द्वारा स्रावित पित्त फिलिंडर ब्लैंक में मदद करता है। तो पित्त के बारे में पूछना है, पित्त कौन बनाता है? लिवर बनाता है, ग्रीनिश येल्लो कलर का होता है, आपका ये क्या करता है? अल्कलाइन नेचर का होता है, और ये क्या करता है? भोजन के पाचन में हेल्प करता है, और ये किसमें हेल्प करता है? भोजन के पाचन में, डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो पेट से आने वाले भोजन है ना उसको बस क्षारीय बना देता है, जिससे पैनक्रियास के एंजाइम इस पर काम कर सके। ठीक है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपका किसके द्वारा स्रावित होगा? आपका ओविडक्ट के थ्रू, यूटरस के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, ओवरी के थ्रू। तो ये कहां से निकलेगा? आपका गर्भाशय से, गर्भाशय के ग्रीवा या फैलोपियन ट्यूब से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा अंडाशय से। कहां से निकलेगा? ओवरी से निकलेगा। महिलाओं में जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ये फीमेल हार्मोन है, ओवरी से निकलते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, इसको बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि। आपकी मिश्रित ग्रंथि, जैसे आपकी पैनक्रियास है, आपकी टेस्टिस है, आपकी ओवरीज है, ये तीनों क्या होती है? मिश्रित ग्रंथियों के एग्जांपल है। पर आपकी यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है? अग्नाशय। क्या दे रखा है? पैनक्रियास दे रखा है, जो कि आपका इंसुलिन, ग्लूकेगोन और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और आपका लाइपेज वगैरह ये निकालती है। ठीक है, भोजन का पाचन में भी हेल्प करती है, ब्लड शुगर लेवल को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थायराइड ग्रंथि किस प्रकार, किस भाग में स्थित होती है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड होती है आपकी गले में, किसमें होती है बच्चा? गले में। थायरोक्सिन बनाती है, एच शेप की होती है, उपापचय में यानी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है। तो जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से जैसे आप आंसर करते हैं वैसे ही आप क्या कर सकते हैं? अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, प्रेम सर एग्जाम्पल नाम से इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और सारे के सारे बच्चे मुझे वहां पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिएगा, तो आज अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कर रहे हैं तैयारी ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के लिए हम लेके आए किसान बैच। ये आपकी एक साल की वैलिडिटी है, और 999 रुपए में ये कोर्स है, जो कि आप अब 999 में खरीद सकते हैं। इससे पहले आपको कुछ दिन 699 में मिल रहा था, और ये साल भर के अंदर आपका रहेगा, साल भर तक, और 90 दिन की ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर PDF, डेली क्लासेस, वीकली डाउट सेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, DPP, आपको तो सारी चीज मिलती है। तो आप इस बैच को ले सकते हैं अगर आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी है। और अब हम देखते हैं क्लास के बारे में कि डेली, कल की क्लास में किन किन बच्चों ने कमेंट किया है, आंसर किया है। ठीक है, तो मैं डेली आपको क्या देता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ पूछने के लिए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा, किन किन बच्चों ने आंसर किया है कल की क्लास में, तो हम चलते हैं हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जाम बोर्ड पे, और इस पे जाते ही आप ढूंढेंगे मेरी क्लास। अभी जो क्लास मेरी चल रही है ये लाइव क्लास है ना। तो अब हम जाएंगे इनकी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद हम ढूंढेंगे यहाँ पे हरियाणा स्टेटमेंट ग्रुप डी, देखते हैं कि इसमें क्लास मिलेगी कहीं ना कहीं, ये आपकी साइंस की क्लास मिल जाएगी, और लास्ट वाली क्लास है ये वाली, है ना। इसके बाद में क्लास ऐड नहीं की गई है, चलो तो कोई बात नहीं है, ये वाली क्लास है। इस वाली क्लास में किस किस बच्चे ने आंसर किया है ना,
जैसे आपके अंकित हैं, प्रकाश है, उसके अलावा विकास है, खुशी है, बहुत सारे बच्चे हैं, आंचल है ना, मनीषा है, सुनीता है, आपका एजुकेशन है, ज्योति है, सोनिया है, भावेश है ना, ये सारे के सारे बच्चे जिस तरह से आंसर करते हैं, आपको भी क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं जो कि आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपका यह है, एडीएच का पूरा नाम क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है, पेट की परत में कुछ ग्रंथि की कोशिकाओं में एसिड निकलता है, वो एसिड कौन सा है, मतलब वो कोशिकाएं कौन सी है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आंसर कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चों को करना है, और आपको ये क्लास कैसे लगे ये भी बताना है। थैंक यू सो मच। एंड कर दो।